हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रूबी का जायका। तो आज की हमारी रेसिपी है मसाला कॉर्न चाट, जो बड़ी आसानी से घरों में बन जाती है। ये मॉल्स में मिलते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो कहीं जाना मना है, तो इसलिए हम लोग इसे घर पे ही ट्राई करेंगे। बहुत ही आसानी से ये बनती है। इसके लिए हमने ये कॉर्न लिया है, आप लोग फ्रोजन भी ले सकते हैं। ये हमारा फ्रेश जो भुट्टा होता है उसके दाने हमने निकाल कर लिए हैं। इस तरह से हमने दानों को अलग कर दिया है। पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसमें अब हम इन कॉर्न्स को डाल देंगे। इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। तो इसे 7 से 8 मिनट हमने पका लिया है, इसे गल जाना चाहिए। इस तरह से टूटना चाहिए तोड़ने पर। ये देखिए टूट रहा है, तो इसे अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। इसे हमने स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। तो अब हम इसकी अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो एक मिक्सिंग बाउल हमने लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे। अब इसमें ये कॉर्न को डाल देंगे। इसे पैन में हमने ट्रांसफर किया और 2-3 मिनट के लिए इसे इसमें फ्राई करेंगे बटर के साथ। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे फिर से बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 1/2 टीस्पून और बटर इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये चटपटा होता है तो अच्छा लगता है खाने में। थोड़ी सी 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें नींबू डालेंगे, 1/2 नींबू इसमें निचोड़ देंगे। अभी इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये फटाफट से तैयार हो गया है। अब मॉल जाने की जरूरत नहीं है, मॉल तो वैसे भी अभी बंद है, तो हम अपने बच्चों को मॉल वाली फिलिंग घर में ही दे सकते हैं। तो ये तैयार हो गया, इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए इसे हमने सर्व कर लिया है, कितने कम खर्च में और कम टाइम में ये बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी इसे जरूर बनाएं और पसंद आए तो इस रेसिपी को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए अगर हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए नए नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।